नमस्कार, लवली की रसोई में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम होममेड आटा पेटीज बनाने जा रहे हैं, जो कि एकदम से मार्केट जैसी कई लेयर्स वाली पेटीज बनकर आती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है, क्योंकि मार्केट की जो पेटीज है वह मैदे की बनी होती है, लेकिन हमने यहाँ पर बिना ओवन के ये पेटीज बनाकर तैयार की है। फ्रेंड्स, आटा पेटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह आटा लिया हुआ है, ये गेहूं का आटा है। अब हम इसमें घी डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये अच्छा घी लिया हुआ है, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। आटे में घी हमें इस प्रकार से डालना है जैसे कि हम मठरी के लिए मोयन करते हैं, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा आटा एकदम से ऐसे तैयार हुआ है। अब हम इस आटे को गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, आटे को आप थोड़ा टाइट ही गूंथें। अगर हम आटे को टाइट नहीं गूंथेंगे तो हमारी पेटीज पे जो लेयर्स आती हैं वह अच्छे से नहीं आ पाएंगी, इसलिए आप आटे को थोड़ा टाइट ही गूंथें। आटे में आप थोड़ा सा नमक भी डाल लें। ये देखिए, हमने आटे का डो तैयार कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा टाइट ही आटा लगाया हुआ है। अब आप इसको ढककर साइड कर दें और हम पेटीज में भरने के लिए आलू मसाला तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बॉयल आलू लिए हुए हैं। अब हम इनका मसाला तैयार करेंगे। जीरा, हल्दी, आलू। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, लाल मिर्च। अब हमारी स्टफिंग एकदम से तैयार है। अब आप गैस को बंद कर दें और इनको थोड़ा सा ठंडा होने दें। अब हमने जो आटा तैयार किया था, आप इसमें से एक बराबर साइज की लोइयां तोड़कर तैयार करें। लगभग इतनी बड़ी हमें 6 लोइयां चाहिए। अब हम इन सारी लोइयों को पतला पतला पूड़ी के जैसा बेल लेंगे। ये देखिए, हमने सारी पूड़ियां बेलकर तैयार कर ली हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने एकदम से पतली पूड़ियां बेली हैं। फ्रेंड्स, हमें ये इसी प्रकार से पतली पूड़ियां बेलनी हैं। अब हम इन पे लगाने के लिए साटा तैयार करेंगे। साटा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मैदा ली हुई है और जो हमारा ये घी बचा हुआ था वह है। अब हम घी में थोड़ा सा 2 स्पून मैदा मिलाकर इसका साटा तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने यह एक पूड़ी ली है, इसके ऊपर हम साटा लगाएंगे। फ्रेंड्स, साटा हमें अच्छे से पूरी पूड़ी पर इस प्रकार लगाना है। इसके बाद आप चलनी में इस प्रकार से मैदा लेकर या आटा ले लें या फिर आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, इस प्रकार इसके ऊपर डालें। अब हम इसके ऊपर अपनी दूसरी पूड़ी रखेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे, साटा लगाएंगे।
ये देखिए हमने सारी पूड़ियां एक के ऊपर एक लगाकर तैयार कर ली हैं। अब आप इनको इस प्रकार से फोल्ड करें। विशेष ध्यान दें कि आप फोल्ड करते समय इनको एकदम से टाइट फोल्ड करें, हमें ढीला फोल्ड नहीं करना है। फिर ढीला फोल्ड करने से हमारी लेयर्स अच्छे से नहीं बन पाएंगी, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से फोल्ड करना है। अब हम इनमें से लोइयां कट कर लेंगे। आप सेम इक्वल साइज की लोइयां इस प्रकार से कट कर ले। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि हमने जो लोइयां कट करी हैं, आपको यह इस प्रकार से प्रेस नहीं करनी है, बल्कि आपको ये इसी प्रकार से खड़ी प्रेस करनी है, जिससे कि हमारी ये लेयर्स इसके ऊपर अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, आप लोई को इस प्रकार खड़ा करें और इस प्रकार से इसको प्रेस करें। अब आप इनको हल्के हाथ से बेलें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें एक एक लेयर्स अलग से दिखाई दे रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें एक एक लेयर कितनी क्लियर दिख रही है। अब हम इसको हल्का सा साइडों से कट कर लेंगे, क्योंकि हम यह पेटीज बना रहे हैं, इसलिए हमें यह स्क्वायर शेप में जरूरत है इसकी। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की हुई थी वह भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी स्टफिंग इस प्रकार से रखेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हम पनीर लगाएंगे, क्योंकि हम पनीर पेटीज बना रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर भी लगा दिया है। अब आप पानी से हल्का सा इसको इस प्रकार कवर कर लें और इस प्रकार से आप इसको बंद कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम से पेटीज वाला शेप आएगा। थोड़ा सा और इसको शेप देने के लिए हम इसको मोड़ने के बाद हल्का सा इधर से फिनिशिंग दे देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी पेटीज बनकर, एकदम से पेटीज बनकर आई है। इसी प्रकार से हम अपनी सारी पेटीज भरकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कढ़ाई गरम करने रख दी थी, जो कि अब गरम हो चुकी है। ये देखिए, अब कढ़ाई अच्छे से गरम हो चुकी है। अब आप गैस को मीडियम कर दें, जैसा कि हम सांख और मठरी के लिए गैस को रखते हैं। और अब हम इनमें पेटीज डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम पेटीज को इसमें सेकेंगे। फ्रेंड्स, हमारी पेटीज अच्छे से सिक चुकी है और अब आप इनको निकाल लें। फ्रेंड्स, आपको दिख ही रहा होगा कि पेटीज पे कैसे एकदम से लेयर बनकर आई हैं। अब आप इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आटा पेटीज बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकती हैं कि इसमें कितनी लेयर्स बनकर आई हैं। ये खाने में भी बहुत ही कुरकुरी बनी हुई है। मैं आपको एक पेटीज तोड़कर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी आसानी से टूटकर एकदम से मार्केट स्टाइल पेटीज बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी पेटीज की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल लवली की रसोई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फ्रेंड्स,
अगर आपको इसी प्रकार लेयर्स वाली पेटीज बनानी है तो आप मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जिस प्रकार मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है उस प्रकार से आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी पेटीज सेम इसी प्रकार से बनकर आएगी।